السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر ہندوستان میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم قوم ہے مسلمانوں پر جتنا ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کے بعد بہت ساری قومیں ہیں جن کے اوپر بھی آج ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے انہی میں سے ایک قوم دلت ہے جب ووٹ مانگنے کا وقت آتا ہے تو ان کو ہندو باور کرا کہ ووٹ تو حاصل ان کا کر لیا جاتا ہے लेकिन जब इनके विकास की बात आती है तो इनको दलित कहकर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसी जुल्म को न बर्दाश्त करते हुए हज़ारों दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया है। नाज़रीन इकराम, हाल ही में एक बड़ी खबर खुलकर आई कर्नाटक से और ये जो वीडियो आप हजरात देख रहे हैं ये इसी सिलसिले का है। आपको बता दें, यादगीर कर्नाटका में शोरापुर नामी एक गाँव है, वहाँ पर दलित मज़हब के कुछ लोग जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, इससे दूसरे धर्म को अपनाने से पहले जितनी मूर्तियां इनके पास पिछले धर्म की रखी गई थी इन सारी मूर्तियों को इन्होंने नदी में फेंक दिया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वो दलित के लीडर्स जिन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया है, उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने से पहले जितनी मूर्तियाँ उनके घरों में रखी हुई थी उसको यादगीर डिस्ट्रिक्ट के रिवर में यानी कृष्णा रिवर में उन्होंने उसको बहा दिया है। शोरापुर के गांव की ये खबर खुलकर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस्लाम में अल्लाह ताला ने कोई भेदभाव नहीं रखा है, हर एक के साथ वही मामला बर्ताव किया जाएगा जो किसी इंसान के साथ किया जाता है। और अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने एक बाप आदम और एक माँ हव्वा के ज़रिए से पैदा किया है, और अगर अल्लाह के पास किसी का मकाम है तो वो उसके तकवे की वजह से है। लेकिन इस तरह से देखा जा रहा है कि दलित भाइयों के साथ जो भेदभाव हो रहा है इसके पेश नज़र इस जुल्म को न सहते हुए उन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया है। क्या ही अच्छा होता कि वो हमारे इस मुक़दस धर्म में अपना लेते। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इन सबको भी हिदायत नसीब फरमाए। ये वीडियो आपको नाज़रीन कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।